श्रीनगर में कायर आतंकियों ने एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। आतंकियों ने खानार इलाके में सब इंस्पेक्टर अरशद अशरफ मीर पर पीछे से उनको गोली मारी और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आतंकियों के इस कायराना करतूत का जवाब अरशद मीर के जनाजे में जुटी इस भीड़ ने दिया। पहले जरा आप एक बार इस भीड़ को देखिए, ये भीड़ इंस्पेक्टर अरशद मीर के जनाजे के लिए जुटी थी। शहीद मीर के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। कुपवाड़ा के रहने वाले अरशद मीर के जनाजे में उमड़ी ये भीड़ आतंकियों और आतंक परस्त पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही थी। ये भीड़ बता रही थी कि अब कश्मीर बदल रहा है। याद कीजिए, जब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती थी, आतंकियों की जब मौत होती थी, तब वो लोग जो देश के खिलाफ बात करते थे, देश के सामने खड़े होते थे, वो इस तरह की भीड़ लगाते थे। लेकिन ये एक इंस्पेक्टर के जनाजे में जुटी भीड़ को आप देख रहे हैं, जो आतंकियों और आतंक परस्त मुल्कों को सीधा जवाब दे रही। ये आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के कश्मीर के संकल्प की तस्वीरें हैं। ये उस बदलते कश्मीर की तस्वीर है जो घाटी में अमन, सुकून और तरक्की चाहता है। ये सुपुर्दे खाक में जुटी भीड़ जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज सब इंस्पेक्टर अरशद अशरफ मीर की शहादत से गमजदा है, जिन्हें आतंकियों ने कायरो की तरह पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी। ये वो CCTV फुटेज है जिसमें आतंकियों की कायराना हरकत कैद हुई है। रविवार को श्रीनगर के खानियार इलाके में आतंकियों ने सब इंस्पेक्टर मीर पर पीछे से हमला किया। गोली मारकर चेहरे पर नकाब बांधे आतंकी फरार हो गया, जबकि उसके साथी सब इंस्पेक्टर का हथियार लेकर भाग गए। सब इंस्पेक्टर मीर कुपवाड़ा के रहने वाले थे, जहां उनकी शहादत की खबर पहुंचते ही मातम पसर गया। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों पर नकेल कस रहे हैं, जिससे आतंकियों में खलबली मची है और अब वो पुलिस वालों पर। लेकिन शहीद सब इंस्पेक्टर के जनाजे में जुटी भीड़, अब ऐलान है आतंकियों को घाटी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दो तस्वीरें ही दिखा रही हैं कि कश्मीर में बदलाव की बयार कैसे चल रही है। कभी ऐसी भीड़ आतंकियों के जनाजे में दिखती थी, अब देशभक्तों के जनाजे में दिख रही है। ये सबूत है कश्मीर अब आतंक से अपनी पीढ़ियों को मिटाने और बर्बाद करने नहीं देगा। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आसिफ, जिस तरह की भीड़ हमने अशरफ मीर के जनाजे में देखी, वो अपने आप में काफी है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। उन लोगों को जो घाटी में आतंक को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, उसकी बात करते रहते हैं, उन सबको जवाब देने के लिए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कल कुपवाड़ा के विलगाम के कलमुना गांव में लोगों की भीड़ जुटी, उसने साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि लोगों के जो मन में जो सवाल थे, जो कल अरशद के परिवार ने भी उठाए थे कि आखिर उसकी खता क्या थी। 2019 बैच के पुलिस सब इंस्पेक्टर थे अरशद, और अभी प्रोबेशन पर ही थे, यानी एक साल की ट्रेनिंग और अभी उनका प्रोबेशन ही चल रहा था। 27 साल के अरशद बॉटनी के पोस्ट ग्रेजुएट थे, उसके बाद अपने चार भाई बहनों में सबसे बड़े थे और अपने परिवार में पहले पुलिस का में काम करने वाले सदस्य थे। लोगों का यही कहना है कि आखिर उसकी खता क्या है, उसको किस बात के लिए गोली मारी गई। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1.25 लाख पुलिसकर्मी हैं और सारे जो है वो मिलिटेंट्स के निशाने पर रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कल TRF ने एक बयान जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी ली और उसमें यह कहा गया है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक इंस्पेक्टर असगर को गोली मारी गई है, उससे कहीं ना कहीं साफ ये दिख रहा है कि TRF का कहना है कि उन्होंने एक SOG के अफसर को गोली मारी है। लेकिन जबकि ये एक प्रोबेशनरी अफसर था जो अभी 2 साल पहले ही पुलिस में भर्ती हुआ था और बिल्कुल पुलिस में नया था, और कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ हफ्तों से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स पर दबाव है, और पिछले ही हफ्ते अब्बास शेख और साकिब मंजूर नाम के दो मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने TRF के जो कमांडर और डिप्टी थे उनको श्रीनगर में मार गिराया है, तो लग रहा है कि उसी के बदले की कार्रवाई के तौर पर ये निशाना बनाकर अरशद को निशाना बनाया गया है। और कहीं ना कहीं जो जिस बात की पुष्टि DGP ने भी कल की कि जो भी पिस्टल से मारने वाले की जो भी ग्रुप थे उन सबको खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये एक नया ग्रुप बनाया गया है TRF की तरफ से, जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई और बड़ी घटना भी श्रीनगर में अंजाम दे। आदर्श, ठीक है आसिफ, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। लेकिन अरशद मीर के जनाजे में जो भीड़ जुटी, वो भीड़ आतंक परस्तों को जवाब देने के लिए काफी थी और उन्हें अब आगे इसके लिए सोचना होगा गंभीरता के साथ। ABP News आपको रखे आगे।